खबर रीवा से, जहां मंदिर की जमीन को लेकर आगजनी और पथराव का मामला सामने आया है। मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल फिर से गिरफ्तार हुए हैं। बड़ी खबर ये रीवा से, जहां मंदिर की जमीन को लेकर आगजनी और पथराव का ये पूरा मामला और मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल फिर से गिरफ्तार हुए हैं। जेल से छूटने के 2 घंटे बाद फिर से गिरफ्तार हुए हैं मऊगंज विधायक, जहां आपको बता दें महादेवन शिव मंदिर देवरा से गिरफ्तार किया गया है। 19 नवंबर से रीवा के अस्थायी जेल सामुदायिक भवन में रखा गया था, जहां नई गढ़ी के रेस्ट हाउस में हिरासत में रखा गया था। रेस्ट हाउस के आसपास भारी पुलिस बल तैनात है। बड़ी खबर इस वक्त की, जहां रेस्ट हाउस के आसपास भारी पुलिस बल की तैनाती कर दी गई है। तस्वीरें भी सामने आई हैं मंदिर की जमीन को लेकर आगजनी और पथराव का ये पूरा मामला, और तस्वीरें आप देख सकते हैं, काफी तनावपूर्ण ये माहौल, जहां मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल को फिर से गिरफ्तार किया है। जेल से छूटने के 2 घंटे बाद फिर से गिरफ्तारी हुई है। महादेवन शिव मंदिर देवरा से उन्हें गिरफ्तार किया है। खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ गोविंद हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। गोविंद, यहाँ पर विधायक की फिर से गिरफ्तारी और काफी तनावपूर्ण माहौल देखने को मिल रहा है, अभी की क्या स्थिति? जी, आपको बताना चाहूंगा कि मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल का जो इसके पहले इनको गिरफ्तार करके और अस्थायी तो इसके बाद में कल रिहा किया गया था वहां से, विवादित स्थल पर पहुंच गए अपने समर्थकों के साथ, और उस जो ढांचा वहां पे जो एक बाउंड्री वॉल है उसको फोड़ने के लिए वो पहुंचे थे, तभी वहां भारी पुलिस बल वहां तैनात था, और इसी बीच विधायक को वहां जाने नहीं दिया गया, और इसके बाद फिर से गिरफ्तारी करने के बाद उनको नई गढ़ी एक अस्थायी करके वहां पे लिखा गया है। जी जी बिल्कुल, नजर बनाए रखेगा। फिलहाल तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया।